दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मैं देर रात तक काम कर रहा था। 1:53 हो चुके हैं, मतलब लगभग 2 बज रहे हैं, सीधे सीधे बता दूं मैं आपको। तो मैंने सोचा क्यों ना, भूख लगी हुई है तो कुछ मंगा लिया जाए, क्योंकि 8-9 बजे खाना खाया था, उसके बाद काम बहुत ज्यादा है। तो मेरा मन कुछ दिनों से कर रहा था कि मैं यार पिज्जा मंगाऊं या कुछ मंगा लूं तो खाने के लिए। और बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनके साथ मैं पिज्जा वगैरह खा लेता हूं या बाहर की कुछ चीजें खाना पसंद करता हूं, जो मतलब अकेले नहीं खाता, बहुत कम होता है कि मैं अकेले खाऊं। तो बिट्टू के साथ मैं खा लेता हूं, या फिर कभी एक फ्रेंड और है थोड़ा सा चुलबुली पागल सी नैना, उसके साथ उसको बुला लेता हूँ, उसको परेशान करता हूँ कि यार तुम्हें खिलाओगी पिज्जा, मैं नहीं खाने वाला अकेले अकेले, है ना। तो ऐसा चलता रहता है। तो मैंने आज ऑनलाइन ऑर्डर किया है रात के 2 बजे, क्योंकि पहले तो डिलीवरी हो नहीं पाती थी ना रात में। तो अभी 11 मिनट दिखा रहा है डिलीवरी वाले भैया को, पिज्जा हमारा मिल चुका है। अब देखते हैं ये पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको नीचे जाके अभी दिखाऊंगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो मसला यही है कि टाइम से यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि लेट नाइट और फिर अंधेरा। अभी हम उन्हीं भैया का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि जब वो आएंगे तभी तो हम कुछ खा पाएंगे, है ना। और जब तक वो नहीं आते, और हाँ दोस्त, शक्ल पे मत जाना, बहुत पिंपल हैं और थोबड़ा मुझे पता है पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हर वक्त इंसान बहुत क्यूट नहीं लग सकता ना, तो मैं क्यूट हूँ भी नहीं। तो दोस्त, अभी मैंने कॉल किया जोमेटो वाले भैया को, और उन्होंने बैड न्यूज़ दे दी कि वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि उनकी गाड़ी बिगड़ गई है, लाल मस्जिद के पास ही रहते हैं कहीं। वो बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ कांड हो गया तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ और यहाँ से पिक कर लो, पर मैं जब तक जाऊँगा तब तक तो फूड ख़त्म हो चुका होगा, है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उनसे कह दिया कि आप हमें दे जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर हमारा नहीं पहुंचेगा हम तक, क्योंकि स्लाइडली डिले 5 मिनट का दिखा रहा है, पर वही 15 मिनट से दिखा रहा है, मैं शो कर रहा है। अभी मैं जोमेटो वाले कॉल कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी भैया। हाँ, अभी तक आए नहीं भैया, क्या हुआ? आप भुजन देवी की तरफ से आ रहे हैं क्या? भुजन देवी से सीधे चले आइए। हाँ, एकदम सीधे चले आइए। डिलीवरी वाले भैया के साथ कांड हो गया है सच में यार, उनकी बाइक ख़राब हो गई है, और अब मैं जा रहा हूँ उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि वो पैदल आए हुए हैं यार, फूड लेकर छोड़ के आता हूँ, क्योंकि उनकी बाइक तक शायद कुछ हेल्प हो जाए नाइट, है ना। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है यार किसी की हेल्प करके, मुझे बड़ा सुकून सा मिला जब मैंने उनको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद वो बड़े काफ़ी सीनियर थे यार, उनकी अच्छी खासी एज होगी, और मुझे सर सर कह रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं, पर अच्छा लगा यार, मैंने उनकी हेल्प करी, मैं उनको छोड़ के आया। ये कोई सिंपति नहीं है आप लोगों की तरफ से, है ना, कोई सिंपति नहीं है। आप ये ना सोचें कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, पर मुझे खुद से फील हो रहा है, खुद से अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और बहुत सारी बातें जो भी रूम पर पहुँच के करेंगे आपसे, है ना। थैंक यू, फिर देखो आगे व्लॉग यार। दोस्त, मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि भैया के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उनकी स्कूटी थी जो हम अभी छोड़ने गए थे, तो देखा मैंने स्कूटी से आए हुए थे, उनका शायद प्लग शॉर्ट हो गया, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी प्रॉपर, है ना। पर यार सुकून मिला मुझे, मैंने उनकी हेल्प करी, रात के 2:30 बज रहे हैं, और शायद वो पैदल जाते तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, पर सच में यार अच्छा लगा। थैंक यू भोलेनाथ कि आपने मुझे इतनी कैपेबिलिटी दी है कि मैं समझ सकता हूँ अच्छा बुरा क्या है। पर दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ कि पिज्ज़ा मुझे मिल गया है, और कोल्ड ड्रिंक भी मिल गई है, पर शायद वो क्वालिटी नहीं मिली है मुझे जो मिलनी चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक है ना, जो मतलब क्या होता है ना कि फ्रेश होता है, वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि ये सब ठंडा हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो भैया अब इस बासी रोटी को खाते हैं, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट तो बचा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूल हो चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। शुक्रिया मेरे भाई, अब तो ब्लॉग देख ही लेना पूरा, है ना, कि कुछ नहीं हाथ लगा मेरे।